नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। कोरोना के मामलों में कमी के साथ ही बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियों की गति तेज हो गई है, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार में 10 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव का आयोजन सितंबर अक्टूबर महीने में करा दिया जाएगा। हालांकि चुनाव से संबंधित तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई हैं, जिसके तहत भले ही राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीख की घोषणा अब तक नहीं की है, लेकिन आयोग चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। इस बाबत ईवीएम के फर्स्ट लेवल चेकिंग से लेकर मतपेटियों के रंग रोगन का काम जोर शोर से किया जा रहा है। इसके साथ ही आयोग की यही कोशिश है कि चुनाव के दौरान जारी किए गए दिशा निर्देश का 100% अनुपालन कराने पर काम किया जाए। इसके साथ ही अब निर्वाचन आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि किसी भी परिस्थिति में वर्ग 4 के कर्मी को पीठासीन पदाधिकारी नहीं बनाया जाएगा। इसके साथ ही कार्मिक को अपने गृह और कर्तव्य स्थल से संबंधित प्रखंड के निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यक्ति को चुनावी कार्य में नहीं लगवाना है। इसी के साथ किसी भी मतदान दल में एक ही सीरियल समूह के 2 अधिकारी नहीं रहेंगे। इसके अलावा मतदान दल के 2 कर्मी एक ही विभाग के नहीं होंगे, यानी कि साफ है कि किसी भी परिस्थिति में पीठासीन पदाधिकारी और प्रथम मतदान पदाधिकारी समान विभाग के नहीं होने वाले हैं। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार प्रत्येक मतदान दल में पीठासीन पदाधिकारी समेत 5 मतदान अधिकारी होने वाले हैं। गौरतलब है कि पंचायत चुनाव के उम्मीदवार अपने आवास या चुनाव कार्यालय पर प्रचार वाहन या चुनाव प्रचार करने के लिए पोस्टर बैनर आदि का उपयोग इस दौरान कर सकते हैं। उम्मीदवार चुनाव प्रचार करने के लिए अपना कार्यालय भी खोल सकते हैं, लेकिन चुनाव कार्यालय खोलने की सूचना उम्मीदवारों को संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को देनी होगी। उन्हें बताना होगा कि चुनाव कार्यालय किस स्थान पर खोला गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें पंचायत चुनाव को लेकर, तो जहां तक एक तरफ निर्वाचन आयोग समय पर चुनाव करवाने की योजना के साथ काम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आयोग की कोशिश है कि चुनावी परिणाम की घोषणा भी तुरंत ही कर दी जाए। यही कारण है कि 10 चरणों में होने वाले मतदान के समाप्ति के अगले दिन या फिर दूसरे दिन मतगणना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होगी। जैसा कि आपको पता है कि इस बार बिहार में ऐसा पहली बार हो रहा है कि पंचायत चुनाव के दौरान ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा हो। हालांकि 6 में से 2 पदों पर इस बार भी बैलेट पेपर का ही इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि पंच सरपंच के अलावा बाकी सभी पदों के चुनाव के लिए ईवीएम का इस्तेमाल होगा। इसके साथ ही प्रत्येक मतदान केंद्र पर त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत के 4 पदों पर ईवीएम से मतदान होने से कम 4 बीयू और 4 सीयू के अलावा ग्राम कचहरी के 2 पद पर मतपत्र से मतदान होने के कारण 2 मतपेटियों का उपयोग होगा। इसके अलावा अगर हम बिहार में इससे पहले हुए पंचायत चुनाव को याद करें, तो बड़ी संख्या में गड़बड़ी और बोगस वोटिंग की खबरें सामने आती रही है। हालांकि इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बोगस वोटिंग से निजात पाने के लिए जहां एक तरफ बायोमेट्रिक मशीन का इस्तेमाल होने वाला है, वहीं चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से प्रत्येक मतदान कर्मी को उसके वास्तविक मतदान केंद्र की जानकारी मतदान केंद्र के लिए निकलने से कुछ समय पहले ही दी जाएगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।